गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि यूपी में जन आंदोलन के रूप में होगा स्कूल चलो अभियान। एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहने पर होगा विशेष ध्यान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि अगले सत्र की शुरुआत से पहले स्कूल चलो अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभागीय मंत्री से परामर्श करके विभाग इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना को तैयार करे और उसे क्रियान्वयन भी करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहना चाहिए। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया, 1 जनवरी 2022 से हो जाएगा लागू। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 31% से बढ़कर 34% हो गया है, और ये फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से फिर से बढ़ सकते हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम, जाने कितने रुपए की हो सकती है वृद्धि। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण एलपीजी के दामों में वृद्धि नहीं होने से जो आम राहत मिल रही थी नागरिकों को, वो 22 मार्च को रेट बढ़ने से खत्म हो गई है। अब 1 अप्रैल को भी नए रेट कार्ड जारी हो जाएंगे, और इस बार भी एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की वृद्धि का अनुमान है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद, जान ले पूरी लिस्ट नहीं तो होंगे परेशान। आपको बता दें कि अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो आप इसके लिए बैंक जाकर अपना काम करवाते हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल में छुट्टियों के कारण बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को बैंक खातों की सालाना क्लोजिंग होती है, इस वजह से वहां कामकाज नहीं होगा। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा है जिसकी वजह से बंद रहेगा। 3 अप्रैल को रविवार पड़ रहा है जो साप्ताहिक छुट्टी है। वहीं 4 अप्रैल को रांची में बैंक बंद रहेगा। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस है, हैदराबाद में इस दिन बैंक बंद रहेगा। 9 अप्रैल को महीने का दूसरा शनिवार है जिसकी वजह से बैंक बंद रहेगा। 10 अप्रैल को रविवार पड़ रहा है जो साप्ताहिक छुट्टी है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, इस दिन भी बैंक बंद रहेगा। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, इसकी वजह से भी बैंक बंद रहेगा। 16 अप्रैल को गुवाहाटी में बैंक बंद रहेगा। 17 अप्रैल को रविवार पड़ रहा है जो साप्ताहिक छुट्टी है। वहीं 21 अप्रैल को अगरतला में बैंक बंद रहेगा। 23 अप्रैल को महीने का चौथा शनिवार है जिसकी वजह से बैंक बंद रहेगा। 24 अप्रैल को रविवार पड़ रहा है जो साप्ताहिक छुट्टी है। वहीं 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैंक बंद रहेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की विधवा महिलाओं के लिए सरकार की ये पेंशन योजना है खास, हर महीने मिलती है इतनी रकम। आपको बता दें कि यूं तो महिलाओं के लिए कई सारी योजना है, अलग अलग श्रेणियों में महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि विधवा महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए भी योजना चलाई जाती है। उन्हीं में से एक योजना है विधवा पेंशन योजना। इस योजना में महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होती है, उन्हें आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है। हालांकि इसके तहत दी जाने वाली राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसके लिए वो सभी महिलाएं इसके पात्र हो सकती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हों और जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में हो। इसके लिए दस्तावेज के रूप में आपके पास आपका आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो, अपने निवास का प्रमाण पत्र, बैंक खाता और उम्र का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को 2,250 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 900 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, जबकि दिल्ली में विधवा पेंशन योजना के तहत हर 3 महीने में 2,500 रुपए दिए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार 300 रुपए देती है, जबकि राजस्थान सरकार 750 रुपए देती है। वहीं उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना के तहत 1,200 रुपए दिए जाते हैं, जबकि गुजरात में 1,250 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आज बिहार बोर्ड 1:00 बजे जारी कर देगा 10वीं के नतीजे। आपको बता दें कि बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार बोर्ड आज यानी कि गुरुवार को 1:00 बजे 10वीं के नतीजे जारी करने जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दी है, वे अपने रिजल्ट को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में 13 अप्रैल को दोबारा होगा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर, 24 जिलों में रद्द की गई परीक्षा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा का रद्द किया गया अंग्रेजी का पेपर 13 अप्रैल को होगा।
दरअसल 12वीं कक्षा का 2 बजे होने वाला अंग्रेजी का पेपर रद्द कर दिया गया है। 24 जिलों में पेपर रद्द करने की कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम भगवंत मान का शिक्षा पर बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि इस सत्र में होने वाले एडमिशन में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही दूसरा बड़ा फैसला ये ले लिया है कि कोई भी स्कूल किसी भी खास दुकान से बुक और ड्रेस खरीदने के लिए नहीं बोलेगा। माता पिता बच्चे के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से ही किताब ड्रेस किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, सिसोदिया बोले बीजेपी के गुंडों ने की है तोड़फोड़। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर सामने आई है। ये दावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दी है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह दरवाजे तक लेकर आई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन जंग से गेहूं के किसानों को हो रहा है फायदा, एमएसपी से ज्यादा के भाव में हो रही है बिक्री। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध के चलते दुनिया भर में कई चीजों के दामों में इजाफा हो गया है, क्योंकि सप्लाई प्रभावित हुई है। गेहूं की कीमतों में भी वृद्धि हो गई है, जिसका फायदा भारत के किसानों को हो रहा है। देश के कुछ हिस्सों में किसानों से गेहूं की खरीद एमएसपी से ज्यादा पर हो रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कुछ जगहों पर गेहूं का बाजार मूल्य 2200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन रूस की वार्ता के बीच में पुतिन ने दिया यूक्रेन को खत्म करने की चेतावनी, जाने क्या है इसके निहितार्थ। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता के 5 दौर बीत जाने के बाद वो भी बेनतीजा रहे हैं। हर शांति वार्ता के बाद रूस यूक्रेन पर हमले और तेज कर देता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की भी चेतावनी दे चुके हैं। एक तरफ शांति वार्ता का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। वो कसम खा रहे हैं कि यूक्रेन को समाप्त कर देंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पुतिन का इरादा एकदम साफ है कि जब तक यूक्रेन पूरी तरह से हथियार नहीं डालेगा, रूस की तरफ से युद्ध समाप्त नहीं होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले सकता है रूस, यूएस ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करके जताई है चिंता। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को लेकर ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, अमेरिकी नागरिकों को रूस की यात्रा से बचने की उन्होंने सलाह दी है। अमेरिका ने रूसी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी नागरिकों के उत्पीड़न की संभावना का हवाला देते हुए चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से रूस की यात्रा न करने या फिर तुरंत रूस को छोड़ने का आह्वान किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जेलेंस्की ने दिया युद्ध के दूसरे चरण को आमंत्रण, पुतिन करेंगे अब मारक हथियारों का प्रयोग। यहाँ पर आपको बता दें कि क्या रूस अब जंग का दूसरा चरण शुरू करेगा? पुतिन के बयान से तो संकेत ऐसे ही मिले हैं। जेलेंस्की की चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी शर्तें उनके गुस्से का कारण है, यानी कि अब यूक्रेन युद्ध का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। युद्ध का दूसरा चरण कैसा होगा, रूस किन हथियारों का प्रयोग कर सकता है, तो हम आपको बता दें कि अब रूस यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करेगा और वो कुछ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।